धन्यवाद डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कृषि मंत्रालय की 2017-18 की अनुदान मांगों पर अपना विचार रखने का अवसर दिया। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि का मूल आधार कृषि है, इसलिए मैं अनुभव के आधार पर कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने कृषि योजना और पशुपालन की ओर विशेष ध्यान दिया। मिट्टी की जांच पर विशेष जोर देने के कारण कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है और बढ़ोतरी हुई भी। सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनाने का मकसद है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मिट्टी की जांच एक बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि हम हमारे खुद की खून की जांच तो हमेशा करते रहते हैं, एक्सरे करते, सीटी स्कैन करते, उसी तरह हमारी मिट्टी में क्या है, कमी है ज़्यादा है, उसके लिए मिट्टी की जांच जरूरी है। उसके कारण, इन सभी योजनाओं के कारण कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि हुई। सरकार की नीति के कारण फूड ग्रेन, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी इत्यादि का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। दुग्ध उत्पादन में नया कीर्तिमान हमारे देश में स्थापित हुआ। मत्स्य पालन, पशुपालन, पोल्ट्री को एक नई दिशा मिली। कृषि विकास दर जो 1-2 के आसपास रहती थी वो 4% के ऊपर गई। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कृषि के बारे में उसको क्रियान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले 5 साल में किसानों की आय दुगुना करने की उनकी जो मंशा है, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इसका निश्चित ही इसकी पूर्ति होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नई शुरुआत है। कृषि ऋण का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर तय किए जाने से किसानों को भरपूर लाभ होगा। हमारे सरकार ने जिस प्रकार खेतीबाड़ी के प्रति बढ़ती उदासीनता के बीच पशुपालन में भी अब लोगों की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, वह एक सराहनीय है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों का देश भर में, खासकर महाराष्ट्र में, उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए, महाराष्ट्र की एक स्कीम है जलयुक्त शिवार योजना, जिसके कारण महाराष्ट्र में जो 2 साल पहले तक, पिछले साल ही हमारे यहाँ लातूर में पंढरपुर से रेल से पानी लाना पड़ा, लेकिन इस स्कीम का क्रियान्वयन होने के कारण महाराष्ट्र में इरिगेशन बढ़ गया। अभी पानी की वहाँ पे कहीं पे भी किल्लत नहीं और इसी के कारण महाराष्ट्र नीति आयोग के रैंकिंग में उच्च स्थान पा रहा है। मेरा मानना है कि गाँव की गरीबी केवल खेती के रास्ते से ही दूर हो सकती है। गाँव को संपन्न बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से ही खेती के भारी बोझ को घटाने में मदद मिल सकती है। अभी भी देश की 2/3 आबादी खेती पर निर्भर है, इसे हमारी सरकार ने बखूबी समझ लिया है और इसी सोच को ध्यान में रखकर ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। यह जानते हुए कि कृषि का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, लेकिन पिछले कुछ सालों से पिछली सरकार ने बीमार खेती में रोजगार की संभावनाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसका किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। हमारे सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और तत्संबंधी ठोस कदम उठाए। सरकार द्वारा उच्च उत्पादकता, कम लागत और अच्छी कीमत के सिद्धांतों पर कार्य किया, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। बड़े संतोष की बात है कि नीम कोटेड यूरिया के कारण यूरिया की कालाबाजारी रुकी। नीम कोटेड यूरिया के कारण सिर्फ कालाबाजारी नहीं रुकी, इसका उपयोग जो है वो गलत चीजों में किया जाता था, नकली दूध भी इससे बनता था, तो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। दूसरी ओर नीम कोटेड यूरिया जो है वो हमारे फसलों के लिए ज्यादा असरदार है, क्योंकि जो भी हम जमीन में डालते पहले उसका लीचिंग होता था, अभी नीम कोटेड के कारण वो स्लो रिलीज होता और इसका बहुत अच्छा असर हमारे फसलों के ऊपर हो रहा है। यह बहुत पुरानी तकनीक है, ये कोई नई खोज नहीं है, लेकिन पुरानी जो सरकार थी उसकी नीति ठीक नहीं थी, उसकी नीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए इच्छा शक्ति का उनका अभाव था
और हमारे सरकार ने वो करके दिखा, इसलिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हमारे सरकार ने उठाया। सरकार के प्रयासों से दलहन तिलहन के लिए चलाई गई योजनाएं सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले साल तक बड़ी कीमतें और कृषि के अनुकूल मौसम के कारण इनके बुआई का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ इन फसलों का भी उत्पादन बढ़ा, परंतु इसमें एक नई समस्या आखड़ी हो गई। इन फसलों के दाम अपेक्षाकृत कम हो गए, खासकर महाराष्ट्र में तुअर और चने का क्षेत्रफल 30% बढ़ गया और उत्पादन जो है वो 50% तक बढ़ गया। इस प्रकार कुल उत्पादन दुगुना से ज्यादा हो गया, लेकिन तुअर की कीमतें 10 से 11 हजार प्रति क्विंटल थी और चना भी 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर गया था। वह कीमतें आज 4 हजार से 5 हजार रुपए तक नीचे आ गई। जो हमारी तुअर की दाल थी, वो तुअर की दाल 200 रुपए के ऊपर गई थी, वो आज 70 रुपए किलो तक आ गई, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में, खास करके हमारे विदर्भ में जो दाल रहती, ये दाल जो है ये कई जगह सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि दाल जितनी गाढ़ी रहेंगी उतने वो लोगों की प्रतिष्ठा ज्यादा ऊंची समझाती, क्योंकि लोग कई जगह ऐसा होता है कि दाल पानी की जैसी दाल है, मतलब आप बहुत गरीब हो, आप कमजोर हो। तो इसका सीधा सीधा संबंध जो है हमारे प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हमारे शिवसेना के भाई साहब जो बोल रहे थे कि सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इनका दोनों का अभिनंदन करता, क्योंकि नाफेड़ के जरिए 4,625 रुपए एमएसपी और प्राइस स्टेबिलिटी स्कीम के अंतर्गत 425 रुपए, ऐसा 5,050 रुपए से वहां पे खरीद चल रही, लेकिन अचानक आ गई इस आपदा के कारण। एक तो वहां पे सेंटर कम है, बाकी जो वहां पे मैन पावर लगता वो कम है, तो किसानों को थोड़ी दिक्कत वहां पे हो रही, क्योंकि माल ज्यादा आ रहा और हमारा प्रोक्यूरमेंट की जो कैपेसिटी है वो कम है। तो इस व्यवस्था में, क्योंकि हमारा उत्पादन लगातार अभी सभी इसमें बढ़ता ही रहेगा, तो इसकी व्यवस्था एक परमानेंट व्यवस्था करने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। और प्राइस स्टेबिलिटी स्कीम के अंतर्गत जो सरकार अभी 5,050 रुपए जो 425 रुपए ज्यादा दे रही, मैं मांग करता हूं हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी से कि 425 के बजाय अगर 1500 रुपए अगर दिए, मतलब 5,050 रुपए जो मिल रहे वो अगर 5100 रुपए अगर हमको मिल गए, 6,100 रुपए अगर मिल गए, तो हमारे किसानों की बहुत दुआएं ये सरकार को मिलेंगी। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने कृषि फसल योजना में बहुत अच्छा काम किया। करीब करीब अभी तक जो कवरेज था वो पिछले साल 30% से बढ़ा, उसमें कई सुधार भी हुए। उसमें आधी बेमौसम की बरसात, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा इत्यादि को शामिल करके अच्छा काम किया। इस योजना में कुछ खामियां हैं जिन पर मैं चर्चा के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दी जाने वाली संरक्षित रकम को इस सरकार ने 60% से 70% किया, लेकिन वो मैं आपसे मांग करता हूं कि 70% को बढ़ाकर वो 80% की जाए। और बीमा निर्धारण करने के लिए 5 वर्ष की जो औसत उत्पादन का आधार लिया जाता है उसकी जगह 5 वर्षों में जो 3 अच्छे फसल वाले वर्ष है उसकी औसत ली जाए, क्योंकि कई जगह लगातार कम उत्पादन होने के कारण कई लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। किसानों के कृषि फसल ऋण जो उनको मिलता तो बैंक जो है उनके बीमे का जो किस्त है, प्रीमियम है, वो उसको लोन में जोड़ जाते। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसकी सख्ती न की जाए, जो ऐच्छिक है जो चाहता होगा उसका ही किस्त इसमें लिया जाए। सरकार ने कृषि फसल बीमा योजना की में प्राकृतिक आपदियों को शामिल किए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन इस योजना पर ठोस अमल नहीं कर सकता, क्योंकि कई सालों से जो हमारा रेड टेपिज्म चल रहा, जो कमजोरी है व्यवस्था में प्रशासन में, तो उनको इस योजना की पूरी जानकारी नहीं रहती या वो सीरियसली इसको लेते नहीं। तो इसके लिए राज्य सरकारों को या वहां की एजेंसी को उचित निर्देश देने की जरूरत है
और इसमें जो कसूर करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी प्रावधान सरकार को करना पड़ेगा। सरकार के अथक परिश्रमों के कारण कृषि उत्पादन बढ़ गए। अभी इसी सरकार ने काले धन के खिलाफ, कर चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, नोटबंदी का निर्णय। नोटबंदी का निर्णय ऐसा था कि कुछ लोगों को उसमें तकलीफ भी हुई, खास करके नोटबंदी जब वो निर्णय जब जाहिर हुआ उसी समय हमारा हार्वेस्टिंग सीजन भी था। गांव के लोग, मजदूर, किसान, इनको परेशानी तो हुई, लेकिन इसमें हमारे सरकार ने जो कदम उठाए वो बहुत ही सराहनीय है। किसानों का 60 दिन का ब्याज इसमें माफ किया गया है, उसका जो ऋण है उसका ब्याज माफ किया है। सरकार ने कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए कई सहकारी संस्था द्वारा या एनजीओ द्वारा कैंप चलाए, और समय पे रिपेमेंट करने वाले जो किसान हैं उनको जो 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है उसमें करीब करीब 13,400 करोड़ रुपए का भुगतान हमारे सरकार ने किया। और नाबार्ड को भी, हमारी जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको रिफाइनेंसिंग करने के लिए 20,000 करोड़ की मंजूरी दी। उसमें जो कॉरपोरेट फंड दिया और उसमें जो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो मार्केट रेट से उन्होंने पैसा लिया और वो जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का वो देने के लिए करीब करीब 400 करोड़ रुपए सरकार ने उनको दिए। तो मेरा एक ही कहना है, इसमें सरकार और हमारे देश के खेतिहार, मजदूर, किसान, इन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया। कितनी की तकलीफ हुई, क्योंकि हमारा जो किसान है उसको पता था कि इसके दीर्घकालीन जो लाभ है वो उनके जिंदगी में खुशहाली लाएंगे। कुछ हमारे विपक्षी आरोप भी करते, क्योंकि नोटबंदी के खिलाफ जो भी किसने बोला होगा उसका क्या असर हुआ ये पता है। हमारे महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सब ये सरकार के जो जितनी भी नीतियां है, जितने भी कदम इस सरकार ने उठाए वो सही है, इसका एक कन्फर्मेशन है। नोटबंदी विपक्ष के लिए वोटबंदी हो गए। सरकार के प्रयासों के कारण उत्पादन के नए रिकॉर्ड हो रहे। इस बार उत्पादन बढ़ने से आप भी निमंत्रित है सरकार के, लेकिन कई बार आप राहुल की करो, राहुल आप और रसातल भी जाते रहो, आपकी बात भी मैं कहता हूँ। कई बार उत्पादन बढ़ने से फसलों के दाम बुरी तरह गिर जाते, एक विशेष सर्कल है। यही नहीं, कई बार किसानों को उनकी लागत तक नहीं मिल पाती। इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार को कुछ जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना, अधिक पोषण मूल्य वाली फसलों की किस्मों की खोज करके इन्हें बढ़ावा देना, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा रास्ता है और हमारी सरकार उसके ऊपर कदम बढ़ा रही है। 3 लाख रुपए तक जो अल्पावधि कर्ज है, जो निश्चित अवधि के लिए मिलता है, उस पर 4% ब्याज, वार्षिक ब्याज लगाया जाता। ऐसी ही सुविधा हाईटेक फार्मिंग, फार्म मशीनरी, सिंचाई के उपकरण की खरीद, अन्न प्रक्रिया उद्योग के लिए भी दी जाए, जिस पर ब्याज की दर 7% से अधिक न हो। इसे मध्यम अवधि के ऋण के रूप में माना जाए। दूसरा, एक अभी तक हमारे जो किसान हैं उन्होंने नैसर्गिक विपदा, कीट, रोग, अवर्षण, ये सभी तकलीफें तो अभी तक सहते आए, लेकिन अभी एक नई विपदा है किसानों के ऊपर आई, जो वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ जो है उसके कारण जो हमारी हानि होती, तो उसके लिए मेरा एक सुझाव है, क्योंकि सरकार हर एक किसान को तो कोई फेंसिंग वगैरह नहीं करके दे सकती, लेकिन हमारा जो एक गांव का यूनिट रहता जहां 2,000-4,000 एकड़ खेती रहती, उसको अगर पूरा जो एरिया है, पूरा जो क्षेत्र है उसको अगर किया तो 4,000-5,000 रुपए पर एकड़ के ऊपर इसकी लागत नहीं रहेगी, और एक एक सही कदम है साबित होगा। और इसी के साथ में स्वामीनारायण समिति की जो सिफारिशें है,
उसको अमल में अगर लाया गया तो एक बहुत बड़ी राहत हमारे किसानों को मिलेंगी। हर जिले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इस सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों को सक्षम बनाने में, सशक्त बनाने में बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र जो है, हमारे देश में अलग अलग प्रकार की खेती होती, अलग अलग प्रकार के मौसम रहते, और हर जिले में क्या, हर खेत में अलग अलग प्रकार की खेती होती। तो कृषि विज्ञान केंद्र एक कोई भी सर दो मिनट में खत्म करता हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र कल तक रहे, कृषि विज्ञान केंद्र को और सक्षम बनाया जाए। अंत में खाद पर जो सब्सिडी मिलती, वो सब्सिडी मालिकों के, मिल मालिकों के बजाय किसानों के खाते में अगर सीधी जमा की गई तो ये भी एक क्रांतिकारी समय साबित होगा। और पुराने जमाने में सर खड़गे जी, आपकी जो सरकार थी, जब तक कई लोग ऐसा बोलते थे कि किसान का बच्चा किसान नहीं होना चाहता, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक बोलते थे लोग कि भाई आप अगर 500 रुपए का या 1000 रुपए का पेड़ अगर लगाएंगे तो उसको जो फल आएंगे वो नोट भी अगर लग गई तो उसके भी 500 या 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारी सरकार जब से आई तब से अब लोगों ने ये बोलना बंद किया और किसानों को उनके जिंदगी में खुशहाली यही सरकार ला सकती। धन्यवाद।